लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र के ग्राम चक्केमी में प्रेमिका बनी डायन। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने प्रेमी सत्यम शर्मा लगभग 17 वर्ष को जहर देकर उतारा मौत के घाट। परिवार वालों को सूचना मिलते ही तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृतक के पास से उपजिलाधिकारी के नाम लिखा एक पत्र भी मिला है, जिसमें युवक ने हत्या होने की आशंका भी जताई है, साथ ही लड़की पक्ष के नाम भी लिखे हैं। तो वहीं परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई है। विदित हो कि प्रेम प्रसंग के चलते घटना होने के संकेत मिल रहे हैं। युवक के परिजनों के काफी तलाशने के बाद मिला युवक। परिजनों ने बताया युवती के रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची, जिसमें आरक्षी निखिल त्यागी और दो अन्य आरक्षी आए, यदि उसी समय तत्काल इलाज मिल जाता तो बच सकती थी युवक की जान। मृतक के भाई की माने तो जब यह लोग पहुंचे तब मेरे भाई की सांस चल रही थी, लेकिन कांस्टेबल निखिल त्यागी द्वारा मेरे भाई को तुरंत अस्पताल ले जाने की जगह मेरे ही भाई को सिपाही द्वारा पीटा गया। और जब सिपाही यकृत कर रहा था तो कांस्टेबल निखिल त्यागी दारू के नशे में था और लड़की के बयान को लेकर आधे घंटे तक वहां पर मृतक को डाले रखा, जिसे जब सीएचसी मोहम्मदी लाया गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब देखना यह है आखिर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। जब आपको जब पता चला तो तब पुलिस आपके घर गई थी? घर गई थी। तो क्या हुआ वहाँ? तो वहाँ पर इसकी सांस चल रही थी तो निखिल त्यागी द्वारा इसके दो निखिल त्यागी कौन है? निखिल त्यागी एसआई नहीं सिपाही हो गया। सिपाही है जो उन्होंने इनके मारा तोरा भी वैसे सत्यम को इसे मारा भी था मारा भी था वैसे। अच्छा। उसके बाद ये सांस चल रही थी, हमने कहा इसे लेके जाने, तो इन्होंने लाने नहीं दिया उसे। किसने नहीं लाने दिया? निखिल त्यागी और उनके साथ दो लोग और थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद ये वहाँ पर लड़की के बयान लेने के चक्कर में पड़े थे। अच्छा। शायद इनसे पैसा वैसा भी उन्हें दिया गया होगा। अच्छा अच्छा। और ये इसका पता नहीं है, और जब ये यहाँ पर आए तो बताया जा रहा है कि इसमें कुछ नहीं रहा। इसमें कुछ नहीं रहा मतलब वो डेथ हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। अगर लाने देते पहले तो ये शायद बच जाता। अच्छा अच्छा। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस मतलब पुलिस पे आरोप लगा। पुलिस ने लाने नहीं दिया हमें वहाँ से। अच्छा। अरे कम से कम एक घंटा आधा घंटा रोके रहे वहाँ पर ये। अच्छा। भाई कौन रोके रहा आपको? निखिल त्यागी और साथ में इनके दो लोग और थे। चलिए ठीक जी।